हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द वैकेंट सीट्स की कितनी हमारी वैकेंट सीट बचती हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। तो कंप्लीट उसके रिगार्डिंग ही ये वीडियो होने वाली है, कितनी खाली सीट जो है बची है नेक्स्ट राउंड के, कितनी सीटों पर जो है कल जो है अलॉटमेंट होने वाला है। तो सभी ये डाउट्स हैं जितने भी तुम्हारे माइंड में, इन डाउट्स को सोल्व करने वाले हैं। कितनी खाली सीट है टोटल हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, हर किसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक सिंगल इस वीडियो में। तो कंप्लीट जितने भी तुम्हारे डाउट हैं वो सारे यहाँ पर जो है सोल्व हो जाने वाले हैं एंड हम इस सभी के बारे में डिस्कस कर लेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में देन यहाँ पर। एंड कल तो अलॉटमेंट होने ही वाला है, तो आज लास्ट डे ही है अलॉटमेंट का, तो चलो देख ही लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीजीएमएस रोहतक बीएससी नर्सिंग के बारे में, ठीक है, पीजीआई रोहतक बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो यहाँ पर जो है टोटल अपनी 82 सीट्स हैं, तो उनमें से जो है ऑलमोस्ट जो है अपनी 4-5 सीट अभी तक खाली जो है बची हुई है, जिन पर अभी तक अलॉटमेंट जो है नहीं हुआ है। अभी वो किस कैटेगरी की है वो जो है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जिस भी कैटेगरी की होंगी लाइक जनरल की तो थोड़ा सा बचना मुश्किल है, बाकी अदर कैटेगरी की जो है बचने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जनरल की तो मुश्किल से एक सीट यहाँ पर बचने वाली है, तो जनरल के लिए चांसेस कम है। बात करें अदर यहाँ पर लाइक अदर कॉलेज के बारे में, तो करनाल के बारे में बात करें तो करनाल बीएससी नर्सिंग की सीट्स हैं वो टोटल जो है बढ़ा के 44 कर दी गई हैं, तो यहाँ पर भी 4-5 सीट जो है अभी तक खाली बचती हैं, लाइक जिनमें एडमिशन नहीं हुआ है वो सीट अभी तक जो है बीएससी नर्सिंग की करनाल में खाली बची हुई हैं, जिनमें अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। बात करें थर्ड कॉलेज के बारे में सफीदो बीएससी नर्सिंग, अभी ये किस कैटेगरी की हैं, तो जनरल की भी, इनमें से एक आधी सीट तो जनरल की भी है एंड बाकी जो है अदर कैटेगरी की भी जो सीट है वो बची हुई है। बात करें अदर यहाँ पर लाइक सफीदो के बारे में, बात करें सफीदो बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो इनकी जो सीट है वो इनकी भी 5-6 सीट जो है अभी तक जो है वैकेंट बची हुई है सेकंड राउंड के लिए। तो कुछ नंबर ऑफ सीट जो है अभी तक बची हुई है एंड नंबर ऑफ सीट जो है सेकंड राउंड के बाद भी खाली बच जाएंगी, तो विश्वास नहीं होगा बट ऐसा रहता है। सेकेंड राउंड के बाद भी जो है अपने को सीट खाली देखने को मिल जाएंगी, सेकेंड राउंड के बाद भी, थर्ड राउंड में भी जो लाइक मैं बोलूँ तो मोपअप राउंड में भी जो है सीट हमें खाली देखने को मिल जाती है। मोपअप राउंड में भी बच्चों का सिलेक्शन होगा एंड मोपअप के बाद इस बार तो जो है सीईटी सेकंड के राउंड्स भी होने वाले हैं एक दो, लाइक उसमें तो शायद एक ही राउंड होगा बिकॉज इतने बच्चे नहीं थे, तो लाइक तब तक भी जो है सीट खाली बचेंगी तभी वो राउंड कराया जा रहा है, वरना कोई भी वो सीटी सेकंड का राउंड नहीं कराता, इसमें ही मर्ज कर देते। तो उनको जो है आइडिया है कि जो है जब तक भी जो है सीट जो है बच जाएंगी उन कैंडिडेट्स के लिए भी, तो सीट की टेंशन नहीं लेनी है। सीट अभी जो है जितना मैं बता रही हूँ उससे भी ज़्यादा तुम्हें देखने को मिल जाएंगी, कि उससे भी ज़्यादा जो है सीट तुम्हें खाली देखने को मिल जाएंगी, तो सीट की टेंशन नहीं लेनी है। अगर तुमने सक्सेसफुली चॉइस फिलिंग कर दी है तो वेल एंड गुड, अभी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अभी जो है फाइनली अलॉटमेंट ही होगा, जो है सीट जो है अलॉट हो जाने वाली है एंड देखते हैं कि किस किस का सिलेक्शन होता है कल, किस किस का सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो तो बाकी जो है कल पता चल जाएगा। बट जो भी हो तो जो है बिल्कुल भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी अगर सिलेक्शन नहीं हो तो आगे के लिए अपना मोपअप राउंड भी अभी बचता है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कितनी सीट बची हुई है उनके बारे में, लाइक पैरामेडिकल के बारे में हम बात कर लेते हैं, देन हम जो है अदर कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो प्राइवेट की मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताती हूँ कि प्राइवेट में कितनी बची हुई है, तो प्राइवेट में तुम ये मान के चल सकते हो लगभग हर किसी प्राइवेट में जो है यहाँ पर जो है 10-12 सीट तो हर किसी प्राइवेट में बची हुई है, इससे ज़्यादा ही तुम्हें मिल जाएंगी, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज जो है इतने ज़्यादा हैं, अगर हम किसी हर किसी को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर बताने लग जाएंगे तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा कि हम हर किसी कॉलेज को डिफ्रेंशिएट कर दें। बट ऑलमोस्ट हर कोई कॉलेज में जो है काफ़ी सीट्स बची हुई हैं एक्सेप्ट द अग्रोहा में थोड़ी सी कम यहाँ पर सीट जो है बची हुई है, लाइक 2-3 कम सीट बची हुई है एज़ कंपेरिजन टू अदर जो भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है। तो अग्रोहा का काफ़ी अच्छा कॉलेज है अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो इतनी सी नंबर ऑफ सीट जो है बीएससी नर्सिंग की जो है अपनी वैकेंट बची हुई हैं। बात करें पैरामेडिकल वगैरह में, तो पैरामेडिकल वगैरह में भी सीट जो है खाली बची हैं, बट जो पैरामेडिकल में सीट हैं वो लो हैं, लाइक कम बची हुई हैं
लेस नंबर में है एज़ कंपैरिजन टू द बीएससी नर्सिंग, बिकॉज पैरामेडिकल में जो है पहले ही सीट कम रहती है एंड पैरामेडिकल का जो है आगे जाकर भी थोड़ा सा कम स्कोप है, तो तुम अपना सोच समझ के एडमिशन लेना। कम स्कोप से मेरा मतलब है लाइक आगे जाकर जो है वैकेंसीज की कम निकलेंगी तो तुम इंडिपेंडेंटली जो है तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें उन वैकेंसीज में बहुत कम वैकेंसी निकलेंगी उनमें अगर तुम्हें एडमिशन लेना तो तुम्हें स्ट्रगल लाइक जॉब लेनी है तो तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल वर्सेस एक जो जॉब है जिसमें स्ट्रगल तो हर किसी में करना पड़ता है बट जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक हैं तो चांसेस रहते हैं कि जल्दी जॉब मिलने के एज कंपैरिजन टू द यहाँ पर हम बात करें जिसमें वैकेंसीज वगैरह कम निकलती हैं। तो यही मैं बोलूँगी कि तुम्हें जो है सब कुछ देख के और समझ के जो है एडमिशन लेना चाहिए, तभी जाकर जो है आगे तुम्हारे साथ सब कुछ सही होगा। बाकी फिर भी अगर पैरामेडिकल में गवर्नमेंट में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट से अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें गवर्नमेंट में ही जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी यहाँ पर बने रहते हैं, लाइक 99.99% बने रहते हैं। बट अगर तुम पैरामेडिकल कोर्स वगैरह प्राइवेट से करते हो तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आ सकती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि जॉब नहीं मिलती है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है बिकॉज वैकेंसीज जो होती हैं पैरामेडिकल की रेगुलरली ऐसा नहीं रहता कि रेगुलरली यहाँ पर जो है निकलती रहती हैं, ऐसा नहीं रहता है, कुछ टाइम से यहाँ पर निकलती हैं, लाइक हर साल किसी एक जॉब की तो हर साल निकलती हैं और किसी एक जॉब की जो है हर साल नहीं निकलती हैं, ऐसे यहाँ पर डिफरेंसेस जो है आ जाती हैं। बाकी अगर तुम्हारा पीजीआई में हो रहा है तो मैं यही बोलूँगी, यही सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें 100% ले लेना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट में एडमिशन हो रहा है तो तुम्हें बिल्कुल भी सीट को नहीं छोड़ना चाहिए, एंड गवर्नमेंट में एडमिशन होने के बाद तुम्हें गवर्नमेंट में जॉब तो मिल ही जाएगी। तो लाइक बात कर लेते हैं पैरामेडिकल के बारे में, अदर यहाँ पर पैरामेडिकल के भी जितने भी कोर्सेज हैं पीजीआई में जो रन हो रहे हैं उन्हीं सभी के बारे में बात कर लेते हैं, तो किस किस में कितने यहाँ पर सीट जो है अपनी बचती हैं। तो रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी में एक एक सीट यहाँ पर बचती है, MLT में 2-3 सीट यहाँ पर बचती हैं, OT में जो है अभी तक कोई सीट नहीं बचती बट इसमें एक सीट जो है निकल जाएगी, परफ्यूजन में भी जो है एक सीट बचती है, एंड अल्सो बात करें हम ऑप्टोमेट्री के बारे में तो इसमें भी जो है 1-2 सीट जो है अपनी बचती हैं। तो ये जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। तो बात करें अग्रोहा के बारे में कि अग्रोहा बीएससी नर्सिंग की कितनी अपनी सीट जो है खाली है, तो काफ़ी यहाँ पर नोट काफ़ी कुछ सीट यहाँ पर अग्रोहा की भी खाली है, लाइक 5-7 सीट तो जो है अभी तक 5 सीट तो तुम जनरल की मान के चल सकते हो और कुछ सीट जो है अदर कैटेगरी की भी मान के चल सकते हो, तो लाइक 7-8 सीट्स तो मिनिमम लाइक खाली हैं, इतनी तो मिनिमम अपनी जो सीट है वो बचती ही है। एंड अग्रोहा पैरामेडिकल की कितनी सीट खाली है वो मैं कल वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ पर जो है ज़्यादा हमें जो है सीट नहीं देखने को मिलेंगी बिकॉज पैरामेडिकल की सीट यहाँ पर भी कमी है, तो पैरामेडिकल के यहाँ पर भी जो है ऐसे ज़्यादा नहीं है कि एकदम से काफ़ी नंबर ऑफ सीट जो है पैरामेडिकल की अग्रोहा की खाली हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज पहले ही सीट जो है कम है। पीजीआई में भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैं पहले बता चुकी हूँ कि काफ़ी कम है, लाइक किसी कोर्स में 6 सीट है, किसी में 11 सीट है, तो मैक्सिमम इतनी ही सीट बन पा रही, किसी में 7 सीट है, तो यही यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नंबर ऑफ सीट इतनी ज़्यादा कम है कि सेकंड काउंसलिंग के लिए जो है बहुत कम बचती है, एंड मोप अप राउंड के लिए तो बिल्कुल नहीं बचेंगी, अग्रोहा वगैरह की और सबकी किसी की नहीं बचेंगी, पैरामेडिकल की बहुत कम सीट जो है बचने वाली है। तो ये वीडियो थी रिगार्डिंग दिस, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो लगातार ऐसी वीडियोज पाने के लिए।